एक बोरी गेहूं चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर कला व्यापारी ने साठ थाने में जाकर जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। बता दें कि वह FIR दर्ज न करने और पीटने के बाद लॉकअप में बंद करने से आहत था। वहीं मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने दो जीपों में आग लगा रही पुलिस को दौड़ा दिया, जबकि रात में ही डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया है। वहीं अब इस मामले में SP आउटर ने देर रात दो दरोगा और एक सिपाही को निलंबित कर दिया है, जबकि पूरे मामले में घटना की जांच ASP ग्रामीण को सौंपी है। जनपद के साढ़ थाना अंतर्गत गोपालपुर गांव के रहने वाले अरुण गुप्ता की पुलिस प्रताड़ना से जहर खा के मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, गोपालपुर गांव के रहने वाले अरुण गुप्ता ने मंगलवार की रात को उसके घर के बाहर रखी गेहूं की बोरियां चोरी हो गई थी, जिसकी शिकायत लेकर के पीड़ित ने साढ़ थाना पुलिस से लिखित शिकायत दी थी। और वहीं लगातार शिकायत के बाद मामला दर्ज न होने के चलते पुलिस प्रशासन के चक्कर लगा रहा था। उसके बाद जब बुधवार की शाम थाने पहुंचा, तभी पुलिस कर्मियों के द्वारा उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। और वहीं पिटाई से छुप धोकर के पीड़ित ने साढ़ थाने पहुंचकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़े और पुलिस कर्मियों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से मौत हो गई। और मौत के बाद गांव में एक गुस्से का माहौल व्याप्त है और वहीं लगातार ग्रामीण पुलिसकर्मियों पर, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि पूरे मामले में SP आउटर अजीत सिन्हा की ओर से दो दरोगा समेत एक हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो मृतक की पत्नी है उसके द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन पुलिसकर्मियों की मौत को उकसाने को लेकर के एक FIR दर्ज होनी चाहिए और दोषी थाना अध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस का एक अमानवीय चेहरा सामने आया, जहां पर योगी सरकार लगातार एक कानून व्यवस्था दुरुस्त होने की बात करती है, वहीं इस तरीके से पुलिसकर्मियों का एक अमानवीय चेहरा सामने आता है। कहीं ना कहीं एक अमानवीय पुलिस का चेहरा देख पत्नी अभी भी लगातार वह आला अधिकारियों से गुहार लगा रही है। घाटमपुर कैमरामैन रोहित के साथ MD न्यूज विवेक पाल, घाटमपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMDNews।